दुर्ग इंदिरा मार्केट के डिवाइडर का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तरफ जहां डिवाइडर को लेकर व्यापारियों का कड़ा विरोध जारी है, तो वहीं दूसरी ओर इस विवाद ने एक राजनीतिक रंग रूप ही ले लिया है। दुर्ग भाजपा उपाध्यक्ष के चौहान ने दुर्ग विधायक को वोटों की राजनीति से जोड़कर बताया। उनका मानना है कि विधायक अरुण वोरा प्रभाव की नहीं बल्कि दबाव की राजनीति करते हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक अरुण वोरा ने आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि डिवाइडर भाजपा के शासन काल में बना हुआ था। ये भाजपा की बड़ी गलती थी जिसे वह सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दोनों वरिष्ठ नेताओं ने मीडिया के सामने अपनी अपनी बातें कुछ इस तरह से रखी। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुआ था, उस समय व्यवसायियों ने और नागरिकों ने विरोध भी किया था कि ये सकरी सड़क है, इतना मोटा और इतना मजबूत डिवाइडर न बनाया जाए। लेकिन उस समय की तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने उस बात को सुना नहीं। अब ये बहुत बड़ा बहुत एक व्यापारियों के लिए और नागरिकों के लिए एक समस्या का कारण बन गया है। लगातार जाम हो रहे हैं, तो इसके लिए हमने जिलाधीश महोदय से कहा है कि व्यापारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसमें आप बहुत जल्द निर्णय लें, इसको और अधिक विलम्ब न करें। जितना अधिक विलम्ब होगा उतनी परेशानी लोगों को बढ़ती जाएगी, व्यापारियों को बढ़ती जाएगी, नागरिकों को बढ़ती जाएगी। प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से और इसको बहुत समय सही समय पे इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवा दें। भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग आज तक आरोप ही लगाते रहे हैं कि ये धरे कुछ नहीं है, जो करता है उसी से गलती होती है। लेकिन ये गलती भी हम लोगों से नहीं हुई है, ये गलती भारतीय जनता पार्टी से हुई है। खुद की गलती दूसरों पर मरना, मैं नहीं समझता कि कहाँ कहीं कहीं का कोई इंसाफ है। ये नाइंसाफ़ी वाली बात करते हैं और भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को सब जानते हैं। अभी चुनाव की समीपता को देखकर ये फिर से दिखलाई देने लग गए हैं। 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को आता पता नहीं था। शहर का जो चौतरफा विकास हुआ है उसकी कल्पना आज तक हम लोगों ने नहीं की थी। ये मतदाताओं के आशीर्वाद से और भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासन काल में विकास की एक भी ईंट दुर्ग में नहीं रखी। एक्चुअली यहाँ के माननीय विधायक वो राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये इसकी समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन वो दबाव की राजनीति करते हैं, प्रभाव की राजनीति नहीं करते। वो पेंडिंग करते रखे हैं इस मामले को, सिर्फ और सिर्फ वोट गिन रहे हैं कि हटाने में मेरे वोट कितने कटेंगे और इसको लगे रहने में मेरे वोट कितने कटेंगे। आप बार बार हटाते हैं, उसको जीर्णोद्धार करते हैं, आप पतला करने की बात करते हैं, आप मोटा करने की बात करते हैं। ऐसे इसमें पैसा किसका जाता है? तो पैसा जाता है जनता का। आपको जो काम करना है वो तो आपका नहीं रहे। आपको जो खंबे हैं वो आपको अंडरग्राउंड करने चाहिए, आपको चौड़ीकरण करना चाहिए। आप जो व्यवस्थापन की व्यवस्था तो कर नहीं सकते, इस वजह से आप अक्षम है ये रोड को चौड़ीकरण करने में भी और डिवाइडर को रखने में भी। आप सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, तो वोट की राजनीति हटा के आप जनता के बारे में सोचिए, उसके बारे में समाधान करिए। आप अभी तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण ये छोटी लगती है सड़क। यहाँ के व्यापारी जो 50-50 साल से व्यापार कर रहे हैं, उनका धंधा 50% से आके रुक गया है। तो यहाँ के व्यापारी तो चाहते हैं कि ये डिवाइडर हट जाए, लेकिन एक व्यवस्था जो होती है वो व्यवस्था करवानी चाहिए। जल्दी से जल्दी इसका निराकरण होना चाहिए जो सबके हित में हो, और व्यवस्थापन की जगह बनानी चाहिए, रोड को चौड़ीकरण करना चाहिए, जो अवैध चीजें हैं वो हटनी चाहिए। अगर हटेगी तभी सुचारू रूप से ये रोड चल पाएगी, और जो जाम लग रहा है, जो लोगों को परेशानी हो रही है वो नहीं होगी, और वो भी रुकेगा, अपना एक्सीडेंट्स भी रुकेंगे और लोगों का व्यापार भी चल पाए। ये दोनों चीजें हमारे को देखनी है।